मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिस पर लूट, हत्या, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग जैसे तकरीबन 35 आपराधिक मुकदमे दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों में दर्ज हैं। इस शातिर बदमाश पर पूर्व में भी 1,00,000 रुपए का इनाम रह चुका है। दरअसल नई मंडी कोतवाली पुलिस ने SSP संजीव सुमन के निर्देशन पर 15 महीने से वांछित चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश अपशरुण को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद की है। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आए इस शातिर बदमाश पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लूट, हत्या, डकैती, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे तकरीबन 35 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक इस शातिर बदमाश पर पूर्व में 1,00,000 रुपए का इनाम भी रह चुका है। SPCD सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि SSP के निर्देशन में थाना नई मंडी टीम को आज सफलता मिली है। 15 महीने से वांछित चल रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी का नाम है अपशरण पुत्र इदरीस, जो पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसमें लूट, हत्या, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग शामिल है। इस बदमाश पर दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा में भी मुकदमे दर्ज है। शातिर अपराधी कानून को चकमा देकर अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। आज पुलिस को अरेस्ट करने में सफलता हासिल हुई है। अपराधी के बारे में जब और अधिक जानकारी की गई तो पता चला कि पहले भी गाजियाबाद से 1,00,000 का इनामी ये रह चुका है। इस पर जनपद में 20,000 का इनाम चल रहा था। DGP के निर्देश पर ऑपरेशन कन्वेंशन चल रहा है, उसके तहत इस पर मुकदमे दर्ज है। जल्द ही सजा दिलाने के लिए कंसर्न ऑफिसर के द्वारा इसकी डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। थाना नई मंडी पुलिस टीम द्वारा CO नई मंडी के टीम जो बनाई गई थी इनके नेतृत्व में, उस टीम को आज सफलता प्राप्त हुई है। एक शातिर अपराधी जो लगभग पिछले 15 महीने से माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में वांछित चल रहा था, इसको आज थाना नई मंडी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी का नाम है अपशरुण पुत्र इदरीस। ये पूर्व में जो है वो लगभग 35 के आसपास की घटनाएँ कर चुका है। इसमें लूट, डकैती, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर और रैंसम फॉर किडनैपिंग, ये सब जो है इसके अपराध हैं। और इसके अपराध जो हैं वो दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा समेत अन्य जनपदों में भी है और अन्य प्रांतों में भी है। ये शातिर अपराधी पिछले काफ़ी टाइम से कानून को चकमा देकर अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। आज पुलिस को इसको अरेस्ट करने में सफलता हासिल हुई है। इस अपराधी के बारे में जब और अधिक जानकारी की गई तो पता चला कि ये पहले भी जो है वो गाजियाबाद से 1,00,000 का इनामी रह चुका है और हमारे जनपद में इस पर 20,000 का इनाम चल रहा था। इस प्रकार लगभग इसके जो मुकदमे हैं उन सभी मुकदमों की अब खंगाली जाएगी कोर्ट से पत्रावलियां, और श्रीमान DGP महोदय के निर्देशन में जो ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है उसके तहत इसके जो मुकदमे हैं उनमें जल्द सजा दिलाए जाने के लिए कंसर्न्ड ऑफिसर्स के द्वारा इसकी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इसके जो मुकदमे हैं उनमें उनको सजा तक जो आखिरी अंजाम होता है उस तक पहुंचाया जाए, इसके लिए इसकी पैरवी भी की जाएगी। और बाकी जो अन्य जनपद और जो अन्य प्रांत जहां पर इसके मुकदमे पंजीकृत है उनके माध्यम से भी जो है वो आपके माध्यम से उन तक ये सूचना चली जाए ताकि वो अपना रिमांड और वारंट जो है वो इसका बनवा सकें। सर, STF ने भी पहले पकड़ा था, किस मामले? ये जैसा कि मैंने अभी इसको आपको बताया, इस पर मोस्टली जो हैं वो डकैती और रैंसम फॉर किडनैपिंग के मामले हैं। इसके अलावा इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के भी मामले हैं। तो वहाँ गाजियाबाद से भी पहले ये लूट में वांछित चल रहा था जहाँ से STF ने इसको गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद ये जेल से छूटने के बाद फिर अपराध करने लगा। अब जो है वो इसके अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और इस पर कानून का शिकंजा कसा जा सके, इसके लिए माननीय न्यायालय में जो है वो सख्त पैरवी की जाएगी जिससे ये जो है वो वापस जेल से बाहर न आ पाए। किसी गैंग के साथ काम करता है या अकेले? कैसे? अभी प्रारंभिक तौर पर जो इसका गैंग है उसके सभी सदस्यों की पूरी पत्रावली बनाई जाएगी, उनका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। इसके और अन्य कौन अपराधी है जिनके साथ मिलकर ये अपराध करता है, क्योंकि डकैती जैसा अपराध जो है वो एक अपराधी नहीं कर सकता। तो इसके जो भी पूरे साथ के जो फाइलीज हैं, इसके जो भी जितने भी साथ के को अक्यूज्ड हैं उन सबके बारे में भी पूरी चीज़ें तफ्तीश की जाएगी और उन सभी के खिलाफ भी कानून का शिकंजा कसा जाएगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।